हेलो दोस्तों, संध्या की शाम की तरफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों तो आज हम लेके आए हैं फिर से जाकिर नायक जी की और एक हिंदू पंडित जी की बीच में जो भेदभाव के ऊपर जो बयान है वो बताएंगे। तो आइए हम लोग इनकी वीडियो देखते हैं और इन दोनों के बीच में जो बातें होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है दोस्तों। तो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग लिखते हैं, चाहे सही या गलत हम लोगों को सिखाते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को पूरा पाप तुम भोग भोगा के 5 किलो पाप है ना, जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में गाय का मूत्र पीने से और हल्दी खाने से कैंसर की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। किसी को कैंसर हो गया हो तो बछिया का मूत्र पिलाइए और उसे एक चम्मच हल्दी खिलाइए। कचने कचने मूत्र पर बड़े बड़े शोध चल रहे हैं गाय के मूत्र पर, इसलिए उसे भगवान कहा, इसलिए उसे माँ कहा जाता है, फिर भी किसी को गाय पर डाउट हो। दूध की ये जानवर इसलिए पैदा किए गए कि इसकी सवारी के काम आए, इसकी बार बर्दारी के काम आए, इसको दूध और गोश्त की जरूरियात फराहम करें, लेकिन ये उन्हें अपना माबूद समझे। तो कम से कम एक लोटा जल चढ़ाकर उनका धन्यवाद तो दे ही सकते हैं कि हे सूर्य भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें प्रकाश दिया और इसके बदले हमसे कुछ नहीं लिया, हम कम से कम धन्यवाद तो दे दें। इस चांद को पूछता है ये देख उंगली उठती है और ये टुकड़े होकर कदमों में आता है। इस सूरज को पूछता है ये तो खादिम है, ये देख इशारा होता और ये भागता हुआ असर के वक्त पे आता है। इन दरख्तों को पूछता है जा मैं नहीं तू ही कह दे तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है, तो दरख्त दौड़ते आए कदमों में सलामी पेश करने लगे और बुतों के चरणों से उसकी पेशानी उठा के मालिक की दहलीज पे रखी और उसे बताया कि अंधेरों में रहने वाले जरा रोशनियों में आ। हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, गंगा नदी की पूजा करते हैं, गंगा नदी को हम माँ मानते हैं। और जो तेरी खिदमत और तेरी जरूरत और नौकरी के लिए चीजें पैदा की गई तो उनको माबूद समझ रहा है। समुद्र को हम भगवान देवता मानते हैं। हम लोग, हम भारतीय लोग जो है ना, हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। इसने पत्थर की मूर्तियों को माबूद जाना, इसने मट्टी के बने हुए माधुओं के आगे माथा रगड़ा। हम लोग पेड़ पौधों की पूजा, तुलसी की पूजा करते नहीं, तुलसी भी तो एक वृक्ष है छोटा सा। हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं। हत्ता के इंसान की तारीख इतनी शर्मनाक है, इसने मच्छरों को, मक्खियों को, बिच्छुओं और सांपों को, ये केचवा जिससे मछली पकड़ी जाती है कांटे से लगा के, इसको भी अपना माबूद समझा है। हम समुद्र की पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, भक्तों हम प्रकृति को ही भगवान मानने वाले लोग हैं। ये सितारे इसकी राहों में रोशनी डालने के लिए और इसके ज़ौक़ नज़र की तस्कीन के लिए पैदा किए गए, लेकिन ये इनको अपना माबूद समझ रहा है। तो जो चीज़ें इसकी खिदमत के लिए पैदा की गई हैं ये उनको भी खुदा समझ रहा है, तो ये किस कदर जो है वो खुद ना आशना था और जिसे ये भी ना पता हो कि मैं कौन हूँ। परंतु ये बताइए, एक ही दिन में दो बच्चे पैदा होते हैं, एक ही दिन में, एक ही मुहूर्त में दो बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, एक बच्चा बड़े आदमी के घर पैदा होता है, सोने की चम्मच में दूध पीता है, सोने के झूले में झूलता है, और दूसरा बच्चा फुटपाथ पे पैदा होता है। मम्मी एक साड़ी का पल्लू इस पेड़ पे बांधती है, साड़ी का दूसरा छोर उस पेड़ पे बांधती है, साड़ी का झूला बना के देना ही नहीं। अब कहते रे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे हैं? इसी तरीके से बताइए, एक ही टाइम पे दो बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों ने जन्म लेते ही कौन सा पाप कर लिया जो फुटपाथ पे पैदा हुआ, और दूसरे बच्चे ने कौन सा पुण्य कर लिया जो अमीर के घर पैदा हो गया। अपना क्या किया सुवियो हमारे पूछा होता। इसी तरीके से अल्लाह सुभान व तआला, हो सकता है
के उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है कि नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है, और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। एक ही समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं, एक अमीर के घर, वो पैदा होते ही अमीर बन जाता है, राजकुमार बन जाता है, और एक गरीब के घर पैदा होता है तो बदनसीब हो जाता है। ये बदनसीब है, अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर है उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 out of 100 उसको ज़कात देना ही नहीं हो रहा। आपका 100 ग्राम पुण्य था इसलिए सब कुछ मिल रहा है, उन बेचारों का 10 ही ग्राम पुण्य था इसलिए फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। किसी का 100 ग्राम पुण्य है तो आप जैसे दिखते हैं, जिनका 10 ग्राम पुण्य है फुटपाथ पे पड़े हैं, और किसी का 250-300 ग्राम पुण्य हो जाए ना तो वो टाटा बिरला के घर पैदा हो जाते हैं। और जब पूरा पाप तुम भोग भोगा के 5 किलो पाप है ना, जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मजहब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फिलॉसफी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ, जिसका जिक्र कुरान ने भी है, आखिरत की जिंदगी। तो वेद और कुरान सेम जिंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं पहले पाप भोगा दो। भगवान कहते हैं तू पहले पाप भोगना चाहता है, हाँ ज्यादा पाप है ना, पहले पाप, जैसे ही पाप का नाम लेता है तो इस मृत्यु लोक में नाली का कीड़ा बन के आ जाता है, चमगादड़ बन के आ जाता है, सुअर बन के आ जाता है, कौआ बन के आ जाता है, बिल्ली बन के आ जाता है, कुत्ता बन के आ जाता है। ये सारी जो 84 लाख योनियां है ना, ये हमारे पाप का फल है। तुम्हें नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा यदि पाप किया है तो, और वही है तुम्हारे पाप का प्रायश्चित। कोई शक नहीं, लेकिन ये जो वजूद में आया संस्कारा, इसका जिक्र वेद में नहीं है। ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कारा के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजरघाट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलोसफी वजूद में आई, लेकिन वेद में सिर्फ लिखा है पुनर्जन्म, जो कुरान ने लिखा है, सिख धर्म में लिखा है, मुझे कोई इतराज नहीं। लेकिन ये मानना कि बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। आई कैन गिव यू अनदर कोटेशन व्हाई इट्स नॉट पॉसिबल, आप समझ रहे ना। तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं है? मैं आपसे यात्रा थी, भगवान बोले आ गए आप बैठो, अपने हाथ से भगवान पानी पिलाते हैं, प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपका दर्द हाल चाल पूछते हैं। ये नहीं हो सकता, उसके ये नहीं हो सकता कि शराबी और पाक दामन एक जगह इकट्ठे कर दूं, पर्दादार औरत और बेपर्दा औरत को इकट्ठा कर दूं, फिर तो हुसैन और यजीद का झगड़ा मिट गया, फिर तो करबलाओं की तारीख सारी दफा हो गई, खत्म हो गई। बाद भगवान वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, जैसे यहां पे लगी ना स्क्रीन बड़ी बड़ी, ऐसे वहां पे एक टीवी लगी है। फिर भगवान क्या करते हैं, आपकी मेमोरी कार्ड, कौन सी मेमोरी कार्ड, जो आपने पाप और पुण्य किए हैं मन, आपकी मेमोरी कार्ड भगवान टीवी पे लगा देते हैं, और आपने जन्म से लेके अभी तक जो जो किया है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, वो सब टीवी पे दिखने लगता है। फिर भगवान आपके संग बैठ करके वो पिक्चर देखते हैं, आपके जो भी है आपने, भगवान देख, अच्छा देख 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 तू किस कितना झूठ बोल रहा है, देख भगवान आपको टोकते, देख देख तू झूठ बोल रहा, तुझे ये करने के लिए भेजा था। तो अच्छा बुरा बराबर तो नहीं हो सकते, शराब बेचने वाला कपड़ा बेचने वाला बराबर तो नहीं हो सकते, ड्रग बेचने वाला गोश्त बेचने वाला बराबर तो नहीं हो सकते। हलाल और हराम का फर्क अगर मिटा दिया, नमाजी बेनमाजी बराबर तो नहीं हो सकते, पर्दा औरत बेपर्द औरत बराबर तो नहीं हो सकते, गाने सुनने वाला कुरान सुनने वाला बराबर तो नहीं हो सकते, नमाज छोड़ने वाला नमाज पढ़ने वाला बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन तौबा पर अल्लाह सब माफ करता है। अल्लाह की कानून के इसका मजाक ना उड़ाया जाए कि अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है, आप ही माफ कर दे।
हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हमारा रिएक्शन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके जाइएगा दोस्तों। और आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन से के ऊपर हम लोग अपना रिएक्शन दें, तो दोस्तों हम उसके ऊपर अपना रिएक्शन देंगे। आप जो आपका अच्छा वीडियो है उसका लिंक भी दे सकते हैं, आपका नाम भी नीचे कॉमेंट में लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय।